गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट जो इससे लास्ट वाला ब्लॉग था उसमें बताया था कि मैंने दिवाली की सफाई थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी है। जैसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, छोटी छोटी कबर्ड्स, छोटी छोटी अलमारियां, उनको मैंने सफाई करना शुरू कर दिया क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेते हैं अगर हम एक साथ करते हैं तो। तो आज मैं करूंगी अपने जो रेगुलर बेडशीट और ये सब रखते हैं ना, पिलो कवर और इन सब की सफाई। तो चलिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ कैसे उनको नए तरीके से हम सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ना खिड़की के पास हमने ऐसे एक सिटिंग एरिया बना रखा है और इसके जो नीचे का हिस्सा है ना वो ओपन होता है और उसमें हमने सारे बेडशीट एंड पिलो कवर जो डेली वाले हैं वो रखती हूँ मैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से, एक हाथ से ओपन नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। तो ये देखिए, इस तरीके से ये सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं। वो भी ऐसे ही खुलता है, वो साइड वाला भी खुलता है और इधर वाला भी। तो बस इनको वापस सेट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इन सबको मैं सारे जितने भी ड्रॉर्स में चीजें है ना सब एक साथ बाहर निकालूंगे, उसमें छटनी करेंगे, फिर किस तरीके से कौन सी जो बेडशीट है या पिलो कवर है कौन सा किस में सेट करना है मुझे, क्योंकि अभी एक साल ही हो गया, दिवाली पे ही करी थी सफाई, उसके बाद करी नहीं तो पूरा बिखरा हुआ है। तो चलिए सेट करते हैं, पहले निकाल लेते हैं सारी चीजें। ड्रॉर तो देखिए खाली हो गई, दूसरी ड्रॉर अब शुरू करेंगे खाली करना। लगता नहीं इन दो में इतना सामान निकला है, बाप रे। तो अभी थक गई हूँ एकदम से इनको निकालते निकालते। तो अभी इनको रीफोल्ड करेंगे अच्छे से और पहले इसको क्लीन कर लूँ मैं, ढंग से पोंछ लूँ। तो एक कपड़ा लेती हूँ और उसको इसका जितनी भी धूल मिट्टी वो निकाल देंगे। ये देखिए कितना कचरा हो ही जाता है अंदर, तो ये निकालेंगे पहले। तरीके से मैंने इनको फोल्ड किया है और अब मैं इनको सीधा खड़ा करके इस तरीके से सेट करूंगी, तो काफी स्पेस बचेगा आई थिंक।
और ये बेडशीट मैंने एक तरफ साइड में कर ली है, सारी बेडशीट एक जगह, और इधर ये अभी फैला हुआ ही है, इनको भी करूंगी। तो ये सारे ओढ़ने के और पिलो कवर और कुशन कवर, सोफा कवर, वो सब हैं, तो इनको अलग सेट करूंगी। तो चलिए पहले बेडशीट सेट कर लेते हैं। तो इसमें मैं सारी बेडशीट लगा दूंगी। इस तरीके से मैंने इनको सेट किया है ना, तो सारी एक तो आसानी से दिख रही है कौन सी बेडशीट है, कौन सी मुझे लेनी है, कौन सी बिछानी है। मैं आसानी से इनको देख भी पा रही हूँ, अच्छे से सेट हो गई हैं। और पहले आप देख सकते थे ऐसे ही ठूसी हुई थी। तो एक ही इसमें ड्रॉर में इतनी सारी आ गई हैं, जबकि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम चीज़ें बची हैं, जो कि काफ़ी तो उधर तो सारे वो डिस्कार्ड करने वाली चीज़ें हैं। कुछ यहाँ पे मैंने ये जो ओढ़ने वाले हैं वो समेटे हैं, तो ओढ़ने वाले मैं इस वाले में रख दूंगी। ये अभी भी पूरा खाली है, ये रखने के बाद भी आई थिंक काफ़ी स्पेस बचने वाला है। आप देख सकते हैं वो भी खाली होता जा रहा है, उसमें से भी मैं चीज़ें निकाल रही हूँ, तो काफ़ी स्पेस सेविंग है ये। आप इस तरीके से जचाओगे ना, तो एक तो सारी आपको दिखेंगी भी कि कौन सी बेडशीट हैं आपकी, और साथ ही अच्छे से सेट भी हो जाएंगी और काफ़ी स्पेस भी आपका बचेगा। तो आप इस तरीके से जचा के देख सकते हो। देखिए दोनों ही सेट हो गई हैं, ये कुछ इस तरीके से। इसमें सारे ओढ़ने वाले आ गए। कुछ एक्स्ट्रा जो पुराने सोफ़ा कवर हैं वो मैंने यहाँ पे लगाए, इनका मैं कुछ ढकने का ऐसा कुछ DIY करने का सोच रही हूँ, तो वो मैं बाद में करूँगी, अभी तो दिवाली तक तो टाइम नहीं है उसके बाद ही सोचूंगी। और ये इधर पूरा सेट हो ही गया है। तो आप मुझे बताना मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसी लगी। काफ़ी सांस फूला हुआ है, बोला भी नहीं जा रहा, इतनी मेहनत लगी है ये करने में। तो इस मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप किस तरीके से ये सब सेट करते हो। तो फ्रेंड्स, आप किस तरीके से अपनी अलमारी को सेट करते हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे बताना कि किस तरीके से और मैं उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। मुझे जैसा ऑर्गेनाइज करने का तरीका मुझे समझ में आया, मैंने उस तरीके से किया है, और आगे भी जो भी तरीके मैं अपनाऊंगी या जैसे भी मैं अपने कबर्ड्स एंड अलमारी एंड ड्रॉर्स जो भी सेट करूंगी, ऑर्गेनाइज़ करूंगी, मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। दिवाली तक तो यही वीडियोज़ आएंगे अब पूरी सफाई के ही। तो चलिए अभी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अब नहाने जाऊँगी, उसके बाद वही रेगुलर वाला काम। तो आपसे मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।